नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। अर्जेंटीना ने जीता कोपा अमेरिका का खिताब। अतिरिक्त समय में हुए गोल की मदद से कोलंबिया को 1-0 से दी शिकस्त। 16वीं बार खिताब जीतकर सबसे अधिक बार कोपा अमेरिका का खिताब जीतने का बनाया रिकॉर्ड। स्पेन ने चौथी बार जीता यूरो कप का खिताब। रोमांचक फाइनल में इंग्लैंड को दी 2-1 से शिकस्त। स्पेन ने 12 साल बाद यूरो कप किया अपने नाम। कार्लोस अल्कराज ने जीता विंबलडन का पुरुष एकल खिताब। फाइनल में नोवाक जोकोविच को सीधे सेट्स में दी शिकस्त। अल्कराज के करियर का दूसरा विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम। और पांचवें और अंतिम T20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 42 रन से हराया। सीरीज 4-1 से की अपने नाम। खबरें विस्तार से। सीरीज के पांचवें और अंतिम T20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 42 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैच की सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया। भारत से जीत के लिए मिले 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 18.3 ओवर में 125 रन बनाकर आउट हो गई। जिम्बाब्वे के लिए डायोन मायर्स ने सबसे अधिक 34 रन की पारी खेली। वहीं फराज अकरम और मारुमानी ने 27-27 रन का योगदान दिया। भारत की तरफ से मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। वहीं शिवम दुबे ने 2 विकेट लेने में सफलता पाई। सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले वॉशिंगटन सुंदर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 167 रन बनाए थे। भारत के लिए संजू सैमसन ने सबसे अधिक 58 रन की पारी खेली। वहीं अंतिम के ओवरों में शिवम दुबे ने तेजी से 26 रन की पारी खेली। वहीं रयान पराग ने 22 रन का योगदान दिया। इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने 14 और कप्तान शुभमन गिल ने 13 रन की पारी खेली। अब बात करते हैं फुटबॉल की। अर्जेंटीना ने एक बार फिर अमेरिका की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका का खिताब जीत लिया है। खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराने में सफलता पाई। इसी के साथ कोलंबिया का 28 मैच से चला आ रहा अजेय सिलसिला भी टूट गया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने सबसे अधिक 16 बार कोपा अमेरिका का खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी बना लिया। सोमवार की सुबह जब विश्व विजेता अर्जेंटीना की टीम अपने लगातार दूसरे कोपा अमेरिका खिताब के लिए मैदान पर उतरी तो उसके सामने थी मजबूत कोलंबिया की चुनौती। पिछले 28 मैच से अजेय चल रही कोलंबिया ने शुरुआत से ही अर्जेंटीना को कड़ी टक्कर दी। पहले हाफ में दोनों टीमों ने गोल करने के कुछ अच्छे प्रयास किए लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वहीं दूसरे हाफ के अधिकांश समय तक दोनों टीम गोल करने का असफल प्रयास करती ही दिखाई दी। निर्धारित समय तक गोल नहीं होने पर मैच अतिरिक्त समय में चला गया। पहले अतिरिक्त समय में भी गोल नहीं देखने को मिला। इसके बाद 112वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल कर अर्जेंटीना को 1-0 से बढ़त दिला दी। ये उनका प्रतियोगिता में 5वां गोल था। वे इस प्रतियोगिता के शीर्ष गोल स्कोरर भी रहे। इसके बाद कोई और गोल नहीं हुआ और अर्जेंटीना ने मैच को 1-0 से जीतकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसी के साथ कोलंबिया का 28 मैच से चला आ रहा अजेय सिलसिला भी टूट गया। वहीं जीत के साथ अर्जेंटीना ने सबसे अधिक 16 बार कोपा अमेरिका जीतने का रिकॉर्ड बना लिया। लायनल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना का ये चौथा खिताब है। अर्जेंटीना ने 2021 और 2024 में कोपा अमेरिका जीतने में सफलता पाई। वहीं 2022 के फीफा विश्व कप को जीतकर अर्जेंटीना ने तीसरी बार विश्व कप अपने नाम किया था। 2022 में अर्जेंटीना ने इटली को हराकर यूएफा कप ऑफ चैंपियन बनने में सफलता पाई। इस मैच के साथ ही अर्जेंटीना के दो दिग्गज फुटबॉलर एंजेल दी मारिया और निकोलस ओटामेंडी के शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत भी हो गया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
कोपा अमेरिका में अर्जेंटीना की शानदार जीत के बाद टीम के प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया। टीम के कुछ दिग्गज खिलाड़ियों का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच भी था, ऐसे में प्रशंसकों के लिए ये भावुक पल रहा। कोपा अमेरिका जीतने के बाद अर्जेंटीना के प्रशंसकों ने जोरदार जश्न मनाया। ये मैच अर्जेंटीना के लिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि ये टीम के कुछ दिग्गज खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय करियर का आखिरी मैच था। मैंने उन्हें तब से देखा है जब मैं छोटी लड़की थी, विश्व कप, अमेरिका कप, और अब बड़े होकर इस जीत को देखना, इसे महसूस करना, यह मुझे गर्व से भर देता है। हमारी राष्ट्रीय टीम ने बहुत मेहनत की, पूरे देश को उन पर गर्व है। डिमारिया, हम आपको याद करेंगे। मुझे आशा है कि आप भविष्य में जो भी करना चाहते हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको जाते हुए देखना दुखद है। राष्ट्रीय टीम के साथ हमारा बहुत इतिहास रहा है। यह भी दुखद है कि लियोनेल मेसी घायल हो गए और पूरा मैच नहीं खेल सके, लेकिन वे इस देश का और हमारा गौरव हैं। मैं पूरे मैच के दौरान बहुत घबराया हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से हम पर हमला किया। कोलंबिया की फॉरवर्ड लाइन वास्तव में अच्छी है। अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका का खिताब 16वीं बार अपने नाम किया है। मार्टिनेज अर्जेंटीना की खिताबी जीत के हीरो रहे। मार्टिनेज ने प्रतियोगिता में 5 गोल किए और गोल्डन बूट अपने नाम किया। लायनल मेसी ने 34 साल की उम्र तक कोई सीनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीता था और अब पिछले 3 साल में वे 3 बड़े खिताब जीत चुके हैं। उन्होंने 2021 में कोपा अमेरिका, 2022 का विश्व कप और अब 2024 का कोपा अमेरिका अपने नाम किया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात यूरो कप की। स्पेन ने यूरो कप जीत लिया है। रोमांचक खिताबी मुकाबले में स्पेन की युवा टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ स्पेन ने 12 साल बाद यूरो कप का खिताब अपने नाम किया। ये उनका चौथा यूरो कप है। रविवार की देर रात बर्लिन में जब स्पेन और इंग्लैंड की फुटबॉल टीम यूरो कप के खिताबी मुकाबले के लिए मैदान पर उतरी, उनकी नजर इतिहास रचने पर थी। एक तरफ इंग्लिश टीम पहली बार यूरो खिताब जीतना चाहती थी, तो वहीं स्पैनिश टीम की नजर चौथी बार खिताब जीतकर प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम बनने पर लगी हुई थी। मैच की शुरुआत से दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जिसके चलते पहले हाफ में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। हालांकि दूसरे हाफ की शुरुआत में ही निको विलियम्स ने यमल से मिले पास पर गोल करके स्पेन ने 1-0 से बढ़त बना ली। मैच के 73वें मिनट में इंग्लिश टीम ने कोल पाल्मर के गोल की मदद से मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। 86वें मिनट में स्पेन के मिकेल ओयाजरबल ने गोल करके टीम को 2-1 की रोमांचक जीत दिला दी। बेशक हमने सब कुछ हासिल कर लिया है, अब मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे खुशी है, मुझे गर्व है। हमने यह कमाया है, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया, और मैं वास्तव में खुश हूँ कि हम इसे पाने में कामयाब रहे, और हमने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। दूसरी तरफ लगातार दूसरे यूरो कप फाइनल में मिली हार से इंग्लिश कोच गैरेथ साउथगेट थोड़ा निराश तो नजर आए, लेकिन उन्होंने टीम के प्रदर्शन पर संतुष्टि भी जताई। मुझे अपनी टीम पर गर्व है, वह मुझे इससे अधिक कुछ नहीं दे सकते थे। हमें एक बेहतर टीम से हार मिली है। हमें अपनी हार पर सोचना होगा कि यह कैसे हुआ, हमें कैसे खेलना था इस बारे में पता था। मेरे ख्याल से गेंद पर कब्जा करना महत्वपूर्ण था और मैच के दौरान हमारे पास पर्याप्त नियंत्रण नहीं था। स्पेन की इस जीत के साथ ही उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। मैड्रिड में हजारों की संख्या में स्पैनिश टीम के समर्थक ऐतिहासिक सिबिलिस फाउंटेन पर एकत्रित होकर मैच का आनंद लिया। टीम की जीत के साथ ही फैंस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। फैंस टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि पर नाच रहे थे। ये जश्न पूरी रात चलता रहा। स्पेन ने प्रतियोगिता में बगैर कोई मुकाबला गंवाए खिताब अपने नाम कर लिया। फैंस का मानना है कि टीम की ये जीत आने वाले भविष्य का संकेत है। यह बहुत बड़ी बात है। अपने देश के लिए यूरो कप जीतना एक अनोखी बात है, ऐसा अक्सर नहीं होता। यह एक सुखद अनुभूति है, आप इस एहसास को दोबारा नहीं हासिल कर सकते। यह सब वाकई बहुत रोमांचक था।
इंग्लैंड ने एक गोल किया और हमने कहा ओह नहीं, स्कोर 1-1 हो गया, हम हार रहे हैं। लेकिन फिर अंत में जो हुआ वो बहुत रोमांचक था, मैं बहुत खुश हूँ। इस जीत के साथ स्पेन ने 12 साल बाद यूरो कप का खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं ये उनका चौथा यूरो कप खिताब भी है। इससे पहले उन्होंने 1964, 2010 और 2012 में खिताबी जीत हासिल की थी। इसी के साथ वो सबसे अधिक बार यूरो कप जीतने वाली टीम बन गई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। स्पेन के प्रशंसकों ने यूरो कप की इस जीत का जमकर जश्न मनाया। वहीं इंग्लैंड के प्रशंसक हार के बाद निराश दिखे। इंग्लैंड की टीम का किसी बड़े खिताब के लिए इंतजार अब और बढ़ गया है। स्पेन फुटबॉल टीम के प्रशंसकों ने अपनी टीम के यूरो कप जीतने का जमकर जश्न मनाया। स्पेन के प्रशंसक बहुत खुश दिखे कि उनकी टीम ने यूरो 2024 में अविजित रहते हुए चैंपियन बनने में कामयाबी पाई। मैं बहुत खुश हूं, हम इस जीत के हकदार थे। स्पेन की टीम बेहतर टीम थी, बहुत मजा आया। शुरू में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर हमने वापसी की, हमने 2 गोल किए और अपनी बढ़त बरकरार रखी। स्पेन की टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया, ये अविश्वसनीय था। शुरुआत से लेकर अंत तक ये मैच काफी रोमांचक रहा। उन्हें पता है कि इसे कैसे रोमांचक बनाए रखना है और अंत में हम जीतने में कामयाब रहे। ये एक बहुत अच्छा मैच था। मैंने इंग्लैंड को और भी ज्यादा गोल से हारने की उम्मीद की थी। हमने विंबलडन जीता और हमने यूरोप का कप भी जीता। हम यूरोप की सर्वश्रेष्ठ टीम है। हमने क्रोएशिया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस को हराया, और क्या चाहिए। हमारा टीम का चयन सर्वश्रेष्ठ था। हमारी युवा टीम ने शानदार खेल दिखाया। ये जीत हमें एक देश के रूप में एक दूसरे की ओर और करीब लेके आई है। टीवी पे पहले ही कहा जा रहा था कि टीम के युवा खिलाड़ी इतिहास रचेंगे, और आज उन्होंने यही करके दिखाया। पूरे मैच को देखिए, जब स्कोर टाई हुआ तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन अंत में हम जीतने में कामयाब रहे। स्टेडियम के बाहर मेरा इंग्लैंड के एक प्रशंसक से झगड़ा हो गया था, लेकिन अब मैं इस चोट को एक ट्रॉफी की तरह अपने साथ लेके जा रहा हूँ। हमने एक बार फिर यूरोप कप जीत लिया है। वहीं इंग्लैंड के प्रशंसक अपनी टीम की हार से बेहद निराश दिखे। हालांकि निराशा के बावजूद उनका मानना है कि मैच शानदार रहा और मैच के दौरान स्टेडियम में सभी दर्शकों को बहुत मजा आया। एक टीम ने ये मैच जीतने की पूरी कोशिश की, और दुख की बात यह है कि वो टीम हमारी नहीं थी। उम्मीद करते हैं 4 साल बाद हम वेम्बली में ये जीतेंगे। गैर साउथगेट को अब जाना चाहिए, वे अच्छे खिलाड़ी को बहुत देर में मैदान पे उतारते हैं। हम बहुत निराश है, लेकिन ये एक अच्छा मैच था। खैर अगली बार ही सही हम फाइनल में आए, ये बड़ी बात है। स्टेडियम का माहौल शानदार था। इंग्लैंड की टीम 1966 के विश्व कप के बाद से कोई बड़ा खिताब नहीं जीत पाई है, और अब एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगी। वहीं स्पेन का ये रिकॉर्ड 4th यूरो कप रहा। स्पेन ने प्रतियोगिता के 7 में से 7 मैच जीते और चैंपियन बनी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात करते हैं टेनिस की। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया। फाइनल में अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को 30 सेट्स में 6-2, 6-2, 7-6 से हराने में सफलता पाई। ये लगातार दूसरा साल है जब अल्कराज ने जोकोविच को हराकर विंबलडन फाइनल जीतने में सफलता पाई है। ये उनके करियर का 2रा विंबलडन और 4था ग्रैंड स्लैम है। साल के 3रे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में लगातार 2रे साल स्पेन के कार्लोस अल्कराज के सामने अनुभवी और रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़े सर्बिया के नोवाक जोकोविच की चुनौती थी। पहले सेट में 21 साल के कार्लोस अल्कराज के युवा दम के आगे अनुभवी जोकोविच की एक नहीं चली। अल्कराज ने पहले सेट को आसानी से 6-2 से जीतकर मुकाबले में बढ़त बना ली। दूसरा सेट भी कुछ अलग नहीं रहा, क्योंकि अल्कराज ने जोकोविच पर दबाव बनाना जारी रखा। अल्कराज ने 2रे सेट में 4 बार जोकोविच की सर्विस तोड़ी, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। उन्होंने इस सेट को भी 6-2 से जीत लिया। 3रे सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। अल्कराज ने 10वें गेम में 3 चैंपियनशिप पॉइंट गंवाए।
हालांकि टाई ब्रेकर में उन्होंने कोई गलती नहीं की और मुकाबले को 6-2, 6-2, 7-6 से अपने नाम कर खिताब जीत लिया। इस मुकाबले को जीतने में अल्कराज को 2 घंटे और 27 मिनट का समय लगा। ये लगातार दूसरा साल है जब अल्कराज ने जोकोविच को हराकर खिताब जीतने में सफलता पाई है। ये उनके करियर का दूसरा विंबलडन खिताब है, वहीं उनके करियर का ये 4th ग्रैंड स्लैम खिताब है। उन्होंने इसी साल फ्रेंच ओपन का भी खिताब जीता था। वो एक ही साल में फ्रेंच ओपन और विंबलडन का खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं 2022 में अल्कराज ने US ओपन का खिताब अपने नाम किया था। ग्रैंड स्लैम फाइनल में उनका रिकॉर्ड 4-0 हो गया है। इस जीत के साथ वो लगातार विंबलडन खिताब जीतने वाले इतिहास के पहले स्पेनिश खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरी तरफ लगातार दूसरे साल फाइनल में मिली हार से जोकोविच थोड़ा निराश होंगे। हार के साथ ही वो रोजर फेडरर के बराबर रिकॉर्ड 8 विंबलडन खिताब जीतने से भी चूक गए हैं। अल्कराज दुनिया के सबसे युवा नंबर एक खिलाड़ी बने हुए हैं। वो अब मैट्स विलेंडर, ब्योर्न बोर्ग और बोरिस बेकर के बाद 21 साल से कम उम्र में 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 4th खिलाड़ी भी बन गए हैं। अब वो मैट्स विलेंडर, ब्योर्न बोर्ग और बोरिस बेकर के बाद 21 साल से कम उम्र में 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले 4th खिलाड़ी भी बन गए हैं। किसी भी खिलाड़ी ने 22 साल का होने से पहले उनसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। ओलंपिक खेलों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस अवेयरनेस रन का आयोजन हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद मनोज तिवारी ने दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। पेरिस ओलंपिक के आयोजन में कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच ओलंपिक खेलों को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत इन पेरिस अवेयरनेस रन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और सांसद मनोज तिवारी ने दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में खेलों के विकास को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य हुए हैं। यही वजह है कि आज हमारे खिलाड़ी हर खेल में आगे आए हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री ई गेम्स के बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो, जो ई गेम्स अब आने वाले दिनों में एक सबसे एग्रेसिव गेम होने वाला है, ऐसी स्थिति में उन्होंने काम भी तो किया है। पहले 400 करोड़ का केवल बजट होता था, लगभग 4000 करोड़ का डायरेक्ट बजट है। तो खेल को प्रोत्साहन देना, आज दुनिया में भारत अपना एक नाम कर रहा है। वहीं भारत इन पेरिस अवेयरनेस दौड़ में शामिल उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। भारत ओलंपिक में अच्छा करे, ये हर भारतीय के मन में, भारतवंशियों के मन में रहता है। और अभी जो पेरिस में भारत जा रहा है ओलंपिक में, जो कंटिजेंट जा रहा है हमारा, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए ये आज का मैराथन है और हम लोग उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। जितनी संख्या में बच्चे भाग लिए हैं, ये दुआएं पहुंचेंगी और निश्चित रूप से पेरिस में भारत के बच्चे कुछ और ज़्यादा अच्छा करें, क्योंकि इसमें तो ये दिल मांगे मोर वाली स्थिति है। करीब 7 किलोमीटर की भारत इन पेरिस जागरूकता दौड़ में हजारों धावकों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के अलग अलग भागों से दौड़ में शामिल धावकों ने ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई। बहुत अच्छा लगा रन करके, बहुत हल्का फील हो रहा है। प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि 15 से 20 मेडल हमारे ओलंपियन लेकर आए और देश का नाम रोशन करे। हमारी इंडिया ज्यादा से ज्यादा पदक लेकर आए पेरिस ओलंपिक में, यही शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करती हूँ वहाँ से गोल्ड लेके आए, बस काफी आपके सोचा है कि काफी उम्मीद है खिलाड़ियों से ज्यादा मेडल आएंगे आपके। टीम इंडिया को हिप फुर्रे लाउड थ्री चीयर्स एंड विल एक्सपेक्ट मोर एंड मोर मेडल्स। आई होप दे डू वेल एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम। भारत इन पेरिस ओलंपिक जागरूकता दौड़ के अवसर पर पारंपरिक खेल और ई स्पोर्ट्स को लेकर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के आयोजक अभिषेक इसार और ईशान वर्मा ने आने वाले समय में ई स्पोर्ट्स की लोकप्रियता बढ़ने की उम्मीद जताई। दिल्ली से सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मानना है कि इस बार ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में खेलों के विकास को लेकर जमीनी स्तर पर कार्य हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से खास बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, इस तरीके का जो है जन सैलाब आपने देखा, युवाओं को देखा दौड़ते हुए, पेरिस ओलंपियन को जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको चीयर्स करते हुए, इतने लोग घर से बाहर, क्या कहेंगे? ये मैं कहूँगा कि भारत के लोगों में, हर उम्र के लोगों में, मेल फीमेल सभी के बीच, भारत इन पेरिस के अवेयरनेस प्रोग्राम में, मैराथन में जो हिस्सा लिया है, और लग रहा है कि अभी जो भारत लगातार 10 साल से मेडल जीत रहा है, और आने वाले दिनों में 2036 में जब हमारे ओलंपिक होंगे तो कितनी खुशी होगी। पेरिस इन भारत के अवेयरनेस में इतनी खुशी है, आखिर हो क्यों नहीं। जिस देश का प्रधानमंत्री ई गेम्स के बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो, जो ई गेम्स अब आने वाले दिनों में एक सबसे एग्रेसिव गेम होने वाला है, ऐसी स्थिति में उन्होंने काम भी तो किया है। पहले 400 करोड़ का केवल बजट होता था, लगभग 4000 करोड़ का डायरेक्ट बजट है। तो खेल को प्रोत्साहन देना, आज दुनिया में भारत अपना एक नाम कर रहा है। सर, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि खेलों में जो है सरकार इंटरेस्ट ले रही है, खिलाड़ियों का हाथ थाम कर, खेलो इंडिया से लेकर के ओलंपिक तक हाथ थाम के ले जाया जा रहा है खिलाड़ियों का, हर कदम से कदम मिला रही है सरकार, जो है बजट जो है बढ़ाया गया खेलों को लेके, इसका असर आप क्या देख रहे हैं, कितने खिलाड़ी बाहर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपने सही कहा, आज खिलाड़ियों के पास जा रहे हैं और खिलाड़ी निकल करके हर सेक्टर में आ रहे हैं, और ये सेक्टर्स जो मैंने कहा कि ई गेम्स एक नया, और भारत उसमें दुनिया में तीसरा स्थान पर है, तो ये आने वाले दिन में हर सेक्टर में भारत के खिलाड़ी, चाहे ई गेम्स हो चाहे ओलंपिक हो, एक नई कीर्तिमान। भारत में भी स्काई डाइविंग स्पोर्ट्स का नया अध्याय शुरू हो गया है। एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की पहल में भारत सरकार स्काई डाइविंग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वयं हरियाणा के नारनौल में स्थित एयर स्ट्रिप में देश के पहले BTS-BS स्काई डाइविंग एयरक्राफ्ट को न सिर्फ झंडी दिखाई, बल्कि उसमें हवाई सफर करते हुए 12,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग भी की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में स्काई डाइविंग को बढ़ावा देने के लिए तमाम सुविधाएं तैयार की जाएंगी। स्काई डाइविंग के रोमांच का अनुभव करने के लिए अब दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड और न्यूजीलैंड जाने की जरूरत नहीं। साहस और रोमांच से भरे इस एयरो स्पोर्ट्स के लिए अब भारत भी बड़ा डेस्टिनेशन बनने वाला है। हरियाणा का नारनौल एयरो स्ट्रिप। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे और भारत के पहले समर्पित स्काई डाइविंग विमान VTS-BS को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 12,000 फीट की ऊंचाई, तेज हवा और खुला आसमान, गजेंद्र सिंह शेखावत ने टैंडम स्काई डाइव किया। हवा में पैराशूट फैला, बुलंदियों से अटखेलियां करने का जुनून महसूस किया। पर्यटन मंत्री होने के नाते इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो कमी भारत में महसूस की जा रही थी, और भारत के लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के इस तरह के रोमांच का अनुभव लेते थे, हरियाणा सरकार और के साथ में आज जिस तरह से यहां टीम स्काई हाई ने ये इनिशिएट किया है और इतने महत्वपूर्ण दिन से आज शुरुआत हुई है, मैं मानता हूं कि और देख सकता हूं कि एक बहुत सुनहरा भविष्य इस दृश्य में भारत में दिखाई देता है, और आने वाले समय में भारत के टूरिज्म को बड़ा बूस्ट इसके माध्यम से मिलने वाला है। उन्होंने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एयरो स्पोर्ट्स के महत्व पर भी जोर दिया। भारत में स्काई डाइविंग साहसिक पर्यटन उद्योग को बहुत बढ़ावा देगा और नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में भी सहयोग करेगा। जब यहाँ से शुरुआत हुई है, ये शुरुआत जो है केवल यहाँ तक सीमित न रहे, ये शुरुआत देश के अन्य प्रांतों में भी जाए। सुरक्षा के साथ में हम इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स में लोगों को इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, इसके लिए देश और प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर के हम जो है इसको प्रमोट करने के लिए काम करेंगे। वर्ष 2000
तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, और जाते जाते हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पेरिस ओलंपिक के लिए डीडी न्यूज खास पेशकश आपके लिए लेकर आ रहा है, जहां पर आपको पेरिस ओलंपिक से जुड़ी तमाम खबरें देखने को मिलेंगी। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, नमस्कार। दुनिया भर की निगाहें टिकी है ओलंपिक पर, पेरिस में हो रहा है खेलों का महाकुंभ। इस बार फिर ओलंपिक में लहराएगा तिरंगा, जब भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। पेरिस ओलंपिक पर हमारी खास कवरेज देखिए चीयर फॉर भारत एट पेरिस ओलंपिक 18 जुलाई से रोजाना सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।